अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, दिस इज़ फाइनली माय फर्स्ट वीडियो. मैंने पहले ही एक शॉर्ट में लगा दिया था, मैंने पोस्ट कर दिया था इस हवाले से कि मेरी वीडियो उससे पहले क्यों नहीं आई. हालांकि मैं एडिट कर चुकी थी, मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ कर चुकी थी, बट क्योंकि आपने रीड कर ही लिया होगा, मैं कंफर्टेबल नहीं थी उस वीडियो को पोस्ट करने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम और लग गया. तो आपने पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है. तो फिर हम टाइम वेस्ट करे बगैर सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं. तो जब हम किसी दूसरे मुल्क या शहर में ट्रैवल करते हैं तो हम होटल बुक करवाते हैं ताकि हम सुकून से वहाँ पे स्टे भी कर सकें और वहाँ पर हम इंजॉय भी कर सकें. लेकिन जिस होटल का मैं ज़िक्र इस वीडियो में कर रही हूँ, वो होटल अब जाना जाता है अपने ख़तरनाक इंसिडेंट्स के बदौलत. इस होटल का नाम है होटल मोंटेविस्टा, जो कि अमेरिका में है. इसको 90s के स्टार्ट में बनाया गया था और इसको बनाने की भी एक वजह थी. उस टाइम पर वहाँ पर 90s के बिल्कुल स्टार्ट में कोई भी होटल्स इतने वहाँ पर नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से टूरिस्ट को वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात आती थी. वो जगह पर जाते, वहाँ पर सैर करते, बट उनके रहने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो सुकून से अपने वो डेज़ गुजार सकें. तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसी जगह बना लेते हैं कि जब टूरिस्ट आएँ तो उनको कोई दिक्कत ना हो, वो आराम से उस होटल में अपने डेज़ गुजार सकें. तो उन्होंने वो होटल पे अपना पूरे एक्सपेंसेस लगा के, कह सकते हैं कि उस जगह को किसी एक ख़ास पर्टिकुलर बंदे ने नहीं बनाया था, बल्कि वहाँ के सारे रिहायशियों ने अपने पैसे लगाकर उस होटल को बनाया था, जो कि थे तकरीबन $2,00,000, जो उस टाइम में भी बहुत थे. और अगर अब डॉलर की बढ़ती हुई, आप सभी समझ रहे हैं डॉलर कितना बढ़ गया पाकिस्तान में, तो हमारे लिए तो खैर वो अब भी बहुत ज़्यादा है. तो खैर उस टाइम पे उन लोगों ने अपने पैसे लगा के उस होटल को सिर्फ ख़ास टूरिस्ट के लिए बनवाया और वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ और जितने भी टूरिस्ट थे वो वहीं आके रहना शुरू हो गए. जगह को पसंद किया जाने लगा, वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ आते, वहाँ पर इवन मूवीज़ शूट हुई हैं. और फिर कुछ ऐसा हुआ कि अचानक सब कुछ तब्दील हो गया और उस होटल पे अब जाते हुए लोग इवन डरते भी हैं. तो हुआ कुछ ऐसा कि लोग वहाँ पर ऐसा बोलना शुरू हो गए कि उनको वहाँ पर रात में लोगों के चलने की आवाज़ें आती हैं, और उन्होंने किसी को वहाँ पर इवन किसी की एग्जिस्टेंस महसूस करी है, किसी की आवाज़ें, किसी के पैरों के चलने की आवाज़. इवन किसी ने तो ये भी कहा कि उन्होंने चलता फिरता शख्स अपने कमरे में देखा है. और इस बात को इतना फैला दिया गया कि ये होटल अब बदनाम होना शुरू हो गया. किसी एक शख्स ने ऐसे क्लेम करा था कि वो रात में अपने कमरे में सो रहा था और उससे पूरा एक ब्लैक फिगर अपने रूम में चलता फिरता महसूस हुआ है. और उस बंदे ने नेक्स्ट डे ही कंप्लेन करा के उस जगह को छोड़ दिया. और ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें कहाँ होती थी, रूम नंबर 220, जिसको जहाँ पर उस रूम में जो भी आता था, उस रूम में, उस स्पेसिफिकली उस रूम में जो भी आता था उसके साथ कुछ ना कुछ होना लाजमी था. और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि इस होटल की बेसमेंट में उन्हें अच्छी वाइब्स नहीं आती, ड्रग्स वगैरह का बिजनेस और ब्लैक मनी एंड एवरीथिंग, उन्होंने ये सब भी कहना शुरू कर दिया. तो उस होटल की बदनामी बढ़ती गई. कहाँ वो होटल इतना मशहूर हुआ जाता था और कहाँ वो इतनी बदनामी की तरफ चला गया. बहरहाल अगर ये तो अल्लाह के हाथ में है कि वो किसको कितनी इज्जत दे. एक चीज़ आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हो, एक होटल जिसको जहाँ पर मूवीज़ शूट होती थी, जहाँ पर जिसकी इतनी शोहरत थी, वो एकदम से बिल्कुल ऐसे ज़मीन पर आ गिरा जैसे हम तो इमेजन भी नहीं कर सकते ना कुछ ऐसा, जो अल्लाह चाहे. बहरहाल अब
हम बिल्कुल सच्चाई से ये नहीं कह सकते, हम पूरे यकीन के साथ ये नहीं कह सकते कि जो भी उन लोगों ने वहाँ महसूस किया या उन लोगों को दिखा वो सही होगा या नहीं, लेकिन जो भी था, मैं तो एटलीस्ट ऐसी जगह पे जाकर हरगिज़ नहीं रहूँगी जहाँ पर लोग इतना सब कुछ, जिस जगह के बारे में लोग कहते हों। भाई हमें कोई बोल दे कि यार इस घर में हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ है या इस घर में किसी की मौत हुई है, हम तो बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो, हमें उस जगह पे जाना ही नहीं है जहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हो। अब कुछ लोग होते हैं जिनको शौक होता है, नहीं भाई हम देख कर आएंगे, हम तो भाई पूरा उसके साथ सेल्फी लेकर आएंगे। आजकल कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, खैर अब जाहिर सी बात है हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड ही करते हैं, हम ऐसी जगह पर खुद से जाना पसंद ही नहीं करेंगे। वाला वालम, तो इस वीडियो में मैंने आपको होटल मोंटे विस्टा के बारे में बताया था जो कि एक वक्त में बहुत मशहूर हुआ करता था और अब वो सिर्फ उसके हॉरिबल इंसिडेंट्स की वजह से जाना जाता है और वहाँ पे कुछ खास लोग इतना पसंद भी नहीं करते जाना। तो ये मेरे चैनल की पहली वीडियो थी, आई नो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी और ये जो बराबर में से कुछ आवाज़ें और इधर उधर से आवाज़ें, पाकिस्तान में आपको अगर आप रात के 3 बजे भी देखोगे ना, आपको वहाँ पे शोर ही सुनाई देगा, तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत, बट इसको भी मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह वीडियोस में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और ये वीडियो थी, आपको ऐसी स्टोरीज़ भी आगे और मिलेंगी आपको मेरे चैनल पे फैशन के लिहाज से, मेकअप के लिहाज से, और इवन मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए व्लॉग्स भी लाऊंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।